नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सुक्खू सरकार ने जारी की विधायक क्षेत्र विकास निधि की चौथी व अंतिम किस्त। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत 34,29,00,000 रुपए की चौथी एवं अंतिम किस्त जारी कर दी है। इसमें 33,47,00,000 रुपए विधायक क्षेत्र विकास निधि तथा 81,65,000 रुपए मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी होने के बाद अब भाजपा विधायकों ने सोमवार यानी 29 जनवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता की बैठक में भाग लेने का निर्णय लिया है। एसएमसी शिक्षकों की चेतावनी, बोले मांगे पूरी ना की तो कक्षाओं का बहिष्कार कर निकालेंगे आक्रोश रैली। एसएमसी शिक्षकों का क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। रविवार को भी शिमला के सीटीओ चौक पर एसएमसी शिक्षक अनशन पर बैठे। नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षक लगातार संघर्ष रहता है, लेकिन उनकी ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। एसएमसी अध्यापक संघ के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस मांग को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही शिक्षकों के हजारों पद खाली और इसी बीच एसएमसी शिक्षक अपने विषय के अलावा दूसरे विषय भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। निर्मल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कई स्कूलों की स्थिति ऐसी है जहां पर केवल एसएमसी शिक्षक ही कार्यरत है। ऐसे में प्रदेश सरकार को इन शिक्षकों के हितों का ध्यान रखते हुए नियमित करने के आदेश तुरंत जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एसएमसी अध्यापक संघ चेतावनी देता है कि यदि प्रदेश सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके तहत एसएमसी शिक्षक कक्षों का बहिष्कार कर शिमला में आक्रोश रैली करेंगे। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 40 एचएस अधिकारियों के तबादले, 2 को मिली तैनाती। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत 40 हिमाचल सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों एचएस के तबादले जारी किए गए हैं, जबकि नियुक्ति का इंतजार कर रहे 2 अधिकारियों को तैनाती दी गई है। बदले गए अधिकारियों में 13 एसडीएम भी शामिल है। ये तबादले सरकार ने रविवार को अवकाश के दिन की है। तबादलों की अधिसूचना राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जारी की है। यूजीसी ने बदले नियम, कॉलेजों को रेगुलर शिक्षकों के 75% पद भरने पर ही मिलेगी ग्रांट। कॉलेजों में अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से ग्रांट हासिल करने के लिए तय नियमों के तहत शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। ग्रांट के लिए आवेदन करते समय संबंधित कॉलेज में स्वीकृत पदों में से 75% पद नियमित शिक्षकों से भर्ती करना अनिवार्य किया है। इसे लेकर यूजीसी ने ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट में यूजीसी ने फिटनेस ऑफ कॉलेज फॉर रिसीविंग ग्रांट रूल्स 2024 तय किए गए हैं और इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं। यूजीसी ने सभी शिक्षाविदों, स्टेक होल्डर्स व शिक्षण संस्थानों से इस ड्राफ्ट को लेकर 4 मार्च तक सुझाव मांगे हैं। सुझाव आने के बाद इन पर गौर कर फिटनेस ऑफ कॉलेज फॉर रिसीविंग ग्रांट रूल्स 2024 को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। देश व प्रदेश के कई कॉलेजों में शिक्षकों की कमी और अब संबंधित कॉलेज में 75% नियमित शिक्षकों के पद भरने होंगे ताकि यूजीसी से ग्रांट मिलती रहे। विधायक राजेंद्र राणा की बगावती सुर, बोले प्रदेश सरकार में मूंगफलियों की तरह बांटे गए कैबिनेट रैंक, हटाए जा रहे चुने हुए लोग। सुजानपुर से कांग्रेस के 3 बार के विधायक राजेंद्र राणा ने एक बार फिर से अपनी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार में कैबिनेट रैंक मूंगफलियों की तरह बांटे गए और चुने हुए लोगों को पीछे धकेलने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में हाईकमान को भी रिपोर्ट मिल गई और जल्द ही कुछ होगा। राजेंद्र राणा रविवार को हीरानगर में भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर की बेटी की शादी में भाग लेने के उपरांत पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20% सुधार की है, अन्यथा पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों ने अव्यवस्था का आलम बनाकर रखा।
पिछली सरकार प्रत्येक हिमाचल पर 1,02,000 रुपए का कर्ज छोड़ कर गई है। पूर्व सरकार की गलत नीतियों से ऐसे हालात बने कि सरकार के पास अगर 100 रुपए आता है तो खर्चा 107 रुपए है। मुख्यमंत्री रविवार को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत आम्ब में अमृत मिशन योजना के तहत 10.90 करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास के बाद पत्रकार वार्ता और लडोली पंचायत के पंजोआ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत लडोली में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार कर रही है। इसके तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है, तथा 6 साल का बच्चा ही पहली कक्षा में जाएगा ताकि वे तनाव महसूस ना करे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम में 2 दिवसीय चिंतपूर्णी महोत्सव, आम में मिनी सचिवालय के निर्माण, स्वान तटीकरण के लिए 10 करोड़ प्रदान करने, पंजोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। हिमाचल के दौरे पर आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश के दौरे पर आएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार वे फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे जहां एक रैली को संबोधित करेंगे, वे प्रदेश पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जल्द ही उनके प्रदेश दौरे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऐसे में अब शिमला मंडी या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली आयोजित की जा सकती है। परिवहन विभाग ने 45,50,000 रुपए में बेचे 0001 सीरीज के 4 VIP नंबर। परिवहन विभाग सरकार के राजस्व में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। विभाग ने एक सप्ताह में फैंसी नंबरों की ई ऑक्शन कर 45,50,000 रुपए के नंबर बेचे हैं। विभाग ने करीब एक सप्ताह पहले आरएलए धर्मशाला, आरएलए कुमार सेन और आरएलए करसोग और आरएलए सुजानपुर के लिए वीआईपी नंबर 0001 ई ऑक्शन के लिए खोले थे, जिसका परिणाम विभाग ने रविवार को घोषित किया है और सबसे अधिक बोली लगाने वाले वाहन मालिकों को नंबर जारी किया है। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर बंदरोल में 2 कारों में टक्कर, 7 लोग घायल। कुल्लू जिले के साथ लगते बंदरोल में हुए सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर बंदरोल के पास 2 कारों में जोरदार टक्कर होगी। इस हादसे में कार के ड्राइवर दिव्यांशु उम्र 23 को गंभीर चोटें आई है, जो गाँव कलैली तहसील बोंतर का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि हादसे में 6 अन्य लोगों को हल्की चोटें आई है। घायलों में साक्षी उम्र 29, सानी उम्र 30, प्राची उम्र 30 और पुलकित सिंह उम्र 31, ये सभी गुड़गांव पालम बिहार हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं सूर्यांश उम्र 18, आर्यन उम्र 17 निवासी कुल्लू को भी चोटें आई है। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया, जहां डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे हैं। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि अस्पताल में घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। राम की शरण में जाएगी सुक्खू सरकार, बजट सत्र से पहले करेगी अयोध्या में रामलला के दर्शन। विधानसभा के बजट सत्र से पहले हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएगी। सभी मंत्रियों, सीपीएस और कांग्रेस विधायकों की 5 से 7 फरवरी के बीच अयोध्या जाने की संभावना है। अयोध्या जाने का शेड्यूल तैयार करने में अधिकारी जुट गए हैं। जल्द ही इस बाबत तारीखों का फैसला हो सकता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सीएम सुक्खू ने साधा निशाना, बोले सुर्खियों में बने रहने के लिए भाजपा नेता करते हैं बयानबाजी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं हिमाचल की राजनीति के बारे में जानता हूं। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे सीएम सुक्खू ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि बिहार की राजनीति के बारे में भी टिप्पणी नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं, लोकसभा के चुनाव में ही में है। रघुवीर सिंह वाली बोले अब विदेश में भी मिलेगा नगरोटा के युवाओं को रोजगार। पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह वाली ने कहा कि अब विदेश में भी
नगरोटा के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। दुबई की कुछ कंपनियों के साथ हिमाचल सरकार ने करार किया है। नगरोटा वागवा के जलशक्ति विभाग के विश्राम गृह में 29 तथा 30 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें दुबई की विभिन्न कंपनियों के लिए 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड के पदों के लिए भर्ती की जाएगी। साथ ही होटल प्रबंधन में सेफ, कैटरिंग, हाउसकीपर, सर्विस स्टाफ के पदों के लिए भर्ती की जाएगी। बाली ने कहा कि चुनावों से पहले रोजगार संघर्ष यात्रा भी नगरोटा वागवा से आरम्भ की गई थी। साल में 2 बार रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को घर द्वार पर रोजगार के अवसर मिले। ट्रक बाइक की टक्कर, बाइक चालक की मौत। शिमला के घनाटी में पेश आया दर्दनाक हादसा। शिमला के घनाटी के पास पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान विशाल, उम्र 21, निवासी गांव सकरा, जिला शिमला के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क हादसे की आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राशन डिपो में अब सस्ता साबुन और हेयर ऑयल भी खरीद सकेंगे लोग, कंपनियों से किया अनुबंध। हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों पर फरवरी से हेयर ऑयल, नहाने वाला साबुन सस्ती दरों पर मिलना शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पहली बार इस तरह के उत्पादों के लिए 2 बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध किया था। प्रदेश के सिविल सप्लाई के सभी 120 गोदामों में मांग के अनुसार डिपो में तेल और साबुन की सप्लाई करना शुरू कर दी गई है। ये लाभ प्रदेश के करीब 17 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। उपभोक्ताओं को बाजारों से सस्ती दरों पर तेल और साबुन मिलने से घर में हर महीने होने वाला कुछ खर्च कम होगा। अनुबंध के अनुसार गोदरेज कंपनी के 5 साबुन उत्पाद और बालों को डाई करने वाली मेहंदी भी इसमें शामिल की गई है। HRDC बस चालक पर महिला से शादी का झांसा देकर दुराचार करने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के अंतर्गत HRDC रामपुर डिपो के बस चालक पर महिला से शादी का झांसा देकर दुराचार करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार महिला ने आरोप लगाया कि करीब 1.5 माह पूर्व रामपुर के बस स्टैंड में चालक ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, लेकिन अब काफी समय बीत जाने के बाद भी शादी करने से इनकार कर रहा है। ऐसे में अब उसने पुलिस थाना रामपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस भी शिकायत दर्ज करने के बाद मामले की छानबीन में जुट गई है। ASI लालचंद की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है जो कि मामले के बारे में पूरी जानकारी जुटाएगी। DSP रामपुर सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि शीघ्र ही मामले की छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। वेदर अपडेट, हिमाचल में 31 जनवरी को बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के ऊंचाई वाले भागों में भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 30 जनवरी और 3 फरवरी से दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे और मौसम विभाग ने 31 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं हैं। आगामी दिनों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों सहित के ऊंचे व मध्य इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी का अंदेशा बना हुआ है। 31 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर आदि क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर एडवाइजरी जारी की है। लोगों सहित पर्यटकों को अपने गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले अपने मार्ग पर यातायात की भीड़ की जांच करने की सलाह दी है। बर्फबारी के अभाव में राज्य के पर्यटन स्थल सैलानियों से सूने फाड़े हैं और इससे पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है।